इस वीडियो में आज बात करेंगे सैमसंग 110 के बारे में। तो गाइस ये हमारा सैमसंग 110 मॉडल है। तो इसमें गाइस नेटवर्क प्रॉब्लम है, देख सकते हैं ऊपर रेड कलर का सिंबल बना हुआ है और इसमें नेटवर्क जो है नहीं आ रहा है। तो गाइस इसी को रिपेयर करना है हमें। तो सैमसंग 110 मॉडल है। तो चलिए गाइस सबसे पहले फ़ोन को ओपन करते हैं और हमारे चैनल पर जो भाई लोग नए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो ताकि गाइस जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों तक पहुँचता रहे। तो भाई लोग वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करता। तो देख सकते हैं गाइस हमारा सैमसंग 110 मॉडल है। तो गाइस वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो चलिए फ़ोन को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं गाइस इसमें क्या प्रॉब्लम है, नेटवर्क आईसी का प्रॉब्लम है या फिर नेटवर्क एंटीना का प्रॉब्लम है या फिर गाइस लाइनिंग का प्रॉब्लम है, जो नेटवर्क एंटीना से और नेटवर्क आईसी के बीच में लाइनिंग रहता है वो फॉल्ट है। तो गाइस हमारा फ़ोन देख सकते हैं ओपन हो चुका है। तो गाइस किसी दुकानदार ने इस पर काफ़ी काम किया हुआ है, इसका नेटवर्क तो गाइस पहले एक बार बन चुका है। इसमें देख सकते हैं एक जम्पर है यहाँ पर, तो किसी ने इसको रिपेयर किया है पर गाइस नेटवर्क अभी हमारा छोड़ रहा है। तो देख सकते हैं गाइस ये हमारा छोटा वाला जो है ये नेटवर्क आईसी है, ये वाला नेटवर्क आईसी है और कभी कभी गाइस ये फॉल्ट हो जाता है। इसके बाद ये गाइस ये भी नेटवर्क आईसी है बड़ी वाली और इसके बाद गाइस यहाँ से लाइनिंग हमारा इस नेटवर्क एंटीना में आता है जो कि गाइस जम्पर मारा गया है, तो जिसकी वजह से गाइस हमारा लाइनिंग जो है सही है, लाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं है नेटवर्क एंटीना में। तो जो भी फॉल्ट होगा गाइस हमारा नेटवर्क आईसी में ही फॉल्ट है। तो चलिए इसको गाइस एक बार रिसोल्ड करके देखते हैं छोटे वाले नेटवर्क आईसी को। तो कभी कभी ऐसा होता है भाई लोग कि नेटवर्क आईसी को रिसोल्ड कर देते हैं, मतलब निकाल कर दोबारा उसी को लगा देते हैं तो हमारा नेटवर्क आईसी सही हो जाता है। तो गाइस हमारा पावर आईसी को अच्छे से ढक लेना है बगल में जो है, नहीं तो गाइस हीट करते समय आपका पावर आईसी हीट हो जाएगा और आपका फ़ोन बंद हो जाएगा, इसलिए उसको अच्छे से ढक लेना है। अब चलिए नेटवर्क आईसी को रिसोल्ड करते हैं। अगर रिसोल्ड करने से आ गया तो ठीक है गाइस, कभी कभी हो जाता है रिसोल्ड करने से आ जाता है और कभी कभी गाइस नहीं आता है, तो उसके लिए गाइस हम दूसरा नेटवर्क आईसी लगाएंगे। तो आपके पास कोई फ़ोन हो तो उसमें से लगा सकते हैं, नहीं तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, नया आता है मार्केट पर दुकान पर 20 से 25 रुपये में आता है, 30 रुपये के आसपास, तो गाइस आप नया लगा सकते हैं। तो चलिए हमारा रिसोल्ड हो चुका है, अब इसको गाइस थोड़ा ठंडा करते हैं, तो थोड़ा ये ठंडा हो जाए इसके बाद गाइस नेटवर्क अपना चेक करते हैं सिम लगाकर। तो हमारा रिसोल्ड हो चुका है। तो गाइस वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, हमें अभी स्टेप बाय स्टेप चलना में देखते हैं गाइस अभी क्या फॉल्ट आता है, नेटवर्क सही होता है कि नहीं होता। 2 मिनट गाइस ठंडा करते हैं इसको, इसके बाद अपना लगाते हैं चेक करते हैं। तो गाइस यार वीडियो आप लोग देखते हो गाइस चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो भाई लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करो यार, चैनल सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस। तो गाइस अभी तक मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं हो पाया है, तो आप लोग अपना प्यार दिखाओ भाई लोग। तो चलिए गाइस सिम लग चुका, अब थोड़ा ओपन करते हैं इसके बाद देखते हैं गाइस आप लोगों के लिए भाई लोग नई नई वीडियो ढूंढ कर लाते हैं और आप लोग गाइस चैनल देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो गाइस बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए गाइस हमारा ओपन हो रहा है अभी, तो देखते हैं। तो गाइस तो भाई लोग हमारा नेटवर्क आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर तो फुल नेटवर्क है। तो गाइस रिसोल्ड करने से गाइस हमारा नेटवर्क आ चुका है। तो चलिए गाइस मैं आप लोगों को डायल करके भी दिखा देता हूँ फ़ोन मिलाकर भी कंपनी के पास 1, 2, 3 पर। तो देख सकते हैं गाइस हमारा फ़ोन भी लग रहा है। तो गाइस हमारा नेटवर्क सही हो चुका है, थैंक यू।